अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है फ्राइड फिश। फ्राइड फिश को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। आज बहुत ही मज़े की फ्राइड फिश बनने जा रही है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो आपने सबने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। फ्राइड फिश को बनाने के लिए हमारे पास 2 किलो फिश है जिसको हमने अच्छे से धोया है, और ये हमारे पास हैं घर के कुटे हुए बारीक मसाले। हमें चाहिए होंगे 5 से 7 लेमन का जूस, और ये हमारे पास है लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून, और ये हमारे पास है रेड कुटी हुई मिर्च की 1 टेबलस्पून। अब हम इन तमाम मसाला जात को फिश के ऊपर डाल देंगे। डालने के बाद लेमन का जूस, लेमन के जूस के बाद हम घर के मसाला को ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिश के तमाम पीसेस को अच्छे से मिक्स करके हम इसको 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि मसाला फिश के तमाम पीसेस में अच्छे से मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, जज़ब हो जाए। अब देखिए, फ़िश के तमाम पीसेस को हमने अच्छे से मसाले में मिक्स करके अब हमने तमाम सारी फ़िश को अच्छे से कवर करके 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है जी व्यूअर्स। अब हमारी फ़िश जो है वो मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसको फ्रीज़र से निकाल लेंगे। फ़िश को मैरिनेट होने के बाद अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं, तो हम एक बर्तन में ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद हम वेट करेंगे, जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम फिश को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। बर्तन में ऑयल इतना होना चाहिए व्यूअर्स के आपके फिश के तमाम पीसेस को उसमें डिप होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, और अब हम इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ताकि थोड़ी सी फिश जो है वो फिश के पीसेस क्रिस्पी टेस्ट दें। इसलिए 2 टेबलस्पून हमने क्या डाल दिया, कॉर्नफ्लोर। अभी ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, अब तब तक हम इसको क्या मिक्स कर लेते हैं, इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिश के पीसेस को बड़े एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता हम ऑयल में रखते जाएंगे। फिश को ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट तक इनको पकने दें। 2 मिनट के बाद अब हम फिश की साइड को चेंज कर देंगे, 1 बाय 1 हर पीस की साइड को चेंज कर देंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसके दूसरी साइड को पकने देंगे, जब तक फिश का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम इसको ऑयल में पकने देंगे। 2 मिनट तक अब हम मज़ीद वेट करेंगे। अब फिश का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है, मतलब कि अब ये पकने वाली है। 1 मिनट तक हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब हम फिश को निकालने लगे हैं, क्योंकि 2 से 4 मिनट हमने फिश को फ्राई कर लिया है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम फिश को सर्व करने लगे हैं, और आपके सामने इसकी जो कलर है और इसका जो जायका है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छी बनी है। आप लोग भी सब घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।